सो गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। सो आज हम ट्रेन करने वाले हैं चेस्ट। एंड चेस्ट के वर्कआउट के बारे में अगर मैं बात करूँ या ओवरऑल सेशन के बारे में, सो स्लोली मैं चेस्ट वर्कआउट को काफ़ी पसंद करने लगा हूँ, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ कि काफ़ी अच्छा प्रोग्रेशन हो पा रहा है मेरा उसमें। एंड पहले मैंने जैसे बताया कि मेरे को शोल्डर इंजरी की वजह से मैं इतना पसंद नहीं कर रहा था चेस्ट वर्कआउट, क्योंकि मैं हैवी लिफ्ट नहीं कर पा रहा था। एंड इवन इफ आई एम लिफ्टिंग वेरी लाइट वेट, मेरे को शोल्डर में कुछ ना कुछ पेन होता रहता था, ऐसा ट्रिगर करता रहता था। सो उस वजह से मेरा चेस्ट वर्कआउट जो था कि लीस्ट फेवरेट हो गया था कुछ टाइम के लिए। बट जब से मैंने रिस्ट बैंड पहनना स्टार्ट किया, तब से एक कंफर्टेबली मैं कोई भी रेप्स लगा पा रहा हूँ। एंड मेरे को थोड़ा सा टेंशन कम लग रहा है कि अभी फिर पेन होना स्टार्ट कर देगा ऐसा वगैरह, शायद मैं फॉर्म गलत कर रहा हूँ इसीलिए पेन रख दे रहा वगैरह वगैरह। सो इस वजह से अभी मैं काफ़ी खुश हूँ अपने चेस्ट वर्कआउट से। एंड या इवन आई गॉट, मेरे को रिसेंटली ये भी पता लगा कि क्यों मेरा रिस्ट इंजरी या रिस्ट में पेन होता है ऐसा, क्योंकि कुछ वीक पहले मैं काफ़ी इगोइस्टिक हो गया था वर्कआउट को लेके कि मेरे को हैवी करना है, हैवी करना है। एंड एज आई सेड दैट आई एम नॉट रियली फार फ्रॉम लिफ्टिंग द हैवीएस्ट वेट इन द जिम, लाइक अब 25 के बाद सीधा 30 है डंबल का, 30 केजी डंबल सर। तो अब मेरे माइंड में ऐसा चल रहा था कि मेरे को अब 30 केजी लिफ्ट करना है बाय दिस मंथ, बाय नेक्स्ट मंथ और बाय नेक्स्ट वीक ऐसा करके। एंड वो ईगो मेरे अंदर काफ़ी बिल्डअप हो गया था। बट थैंक्स टू द इंजरी कि ये इंजरी हुआ जिससे कि मैं वापस से वेट ड्रॉप डाउन किया। एंड आई एम लुकिंग फॉर इट दैट क्या क्या मैंने गलती किया। सो मेरे को एक गलती पता लगा कि जब मैं हैवी लिफ्ट कर रहा था चेस्ट वर्कआउट के लिए 25 के जी डंबल के साथ या फ्लैट स्मिथ मशीन चेस्ट प्रेस में, मैं 35-36 भले ही दो चार या तीन चार रेप्स के लिए जाए बल उतना उठाना है, मतलब बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक हो गया था मैं। तो उस केस में क्या हो रहा था कि मेरा जो रिस्ट है स्ट्रेट होना चाहिए था वो काफ़ी ज़्यादा बेंड हो गया था। एंड जिसके वजह से जो वेट जब मैं उठा रहा हूँ तो रिस्ट पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है, खिंचाव आ रहा बहुत ज़्यादा। सो इस वजह से मेरे को ये रिस्ट पेन हुआ। एंड नो इशू, ये सेटबैक भी काफ़ी अच्छा चीज़ था मेरे लिए, क्योंकि अगर वो चीज़ नहीं होता तो शायद मैं और अपने आप को इंजर कर बैठता। एंड या तो रिस्ट थोड़ा इंजरीज अच्छा होता है जिससे कि आप थोड़ा हम्बल बन जाते हो कि हाँ आपको एग्जैक्टली सही डायरेक्शन में जा रहे हो या गलत डायरेक्शन में जा रहे हो ऐसा। सो आज के वर्कआउट के बारे में बात करें तो काफ़ी सिंपल है। पहले हम इंक्लाइन डंबल चेस्ट प्रेस मारेंगे 22.5 केजी के साथ। एंड इंक्लाइन डंबल चेस्ट प्रेस के बारे में अगर मैं बात करूँ तो मैं 22.5 से 25 अभी जंप नहीं कर रहा हूँ। इवन इफ आई एम गेटिंग 8-9 या 10 रेप्स फ्रॉम 22.5 के जी डंबल, बिकॉज एज यू नो कि वहाँ पे 22.5 के जी और 25 के जी के बीच में काफ़ी एक बड़ा गैप है, लाइक 23.5 के जी 24.5 ऐसा। सो मैं ये 2 के जी का गैप जंप करके 25 पे नहीं जाना चाह रहा हूँ, क्योंकि मेरे को पता है कि अगर मैं जंप किया सो अगेन पेन वापस आ सकता है, शोल्डर में पेन वापस आ सकता है सो उस वजह से मैं वो चेंज नहीं कर रहा हूँ। मैं 22.5 केजी के साथ ही स्टिक हूँ जब तक वो 15 प्लस रेप्स नहीं जाते हैं पर सेट, तब तक मैं उसको चेंज नहीं करूँगा या मैं उस पर जंप नहीं करूँगा 25 पे। एंड या सो आज के वर्कआउट की अगर मैं बात करूँ तो इंक्लाइन डंबल चेस्ट प्रेस, फिर फ्लैट स्मिथ मशीन चेस्ट प्रेस एंड केबल फ्लाई, ओवरहेड शोल्डर प्रेस,
एंड लास्ट में हम करेंगे केबल से साइड रेजेस, एंड सबके दो दो सेट्स होंगे। तो ओवरऑल अगर मैं चेस्ट की बात करूँ तो वो 6 सेट्स हो जाएंगे टोटल, एंड शोल्डर के 1, साइड रेजेस के मैं शायद 3 सेट्स करूँगा, जिससे कि टोटल 5 सेट्स हो जाएंगे। सो ये है आज का प्लान। सो अभी हम चलते हैं, एक केला खाते हैं, प्री वर्कआउट बनाते हैं एंड जिम के लिए निकलते हैं।
वर्कआउट हमारा ख़त्म हो गया एंड पहला मील भी मैंने ले लिया, तो साबूदाना का क्या बोलते हैं, साबूदाना का पोहा, आई डोंट नो क्या कहते हैं उसको, बट जो भी है वो था, वो खाया एंड फोर स्क्रैम्बल्ड एग, तो प्रोटीन भी हो गया एंड कार्बोहाइड्रेट का काफ़ी अच्छा सोर्स है ये दोनों। सो अभी प्लान है ये कि मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि मेरे को एक शू लेना चाहिए स्क्वाट्स के लिए मोस्टली। सो मैंने बहुत लोगों से डिस्कस किया जिम में कि कौन सा शू बेटर है क्या है। तो एक दिन मैंने एक बंदे को देखा, उसने जूडियो का एक शू पहना हुआ था एंड उससे स्क्वाट कर रहा था एंड आई आस्क्ड हिम दैट कैसा है क्या है मटेरियल कैसा है, तो उसने कहा कि ऑलमोस्ट 1.5 साल से वो सेम शू यूज़ कर रहा है स्क्वाट के लिए। सो मुझे लगा कि मेरे को भी लेना चाहिए एंड सेकेंड थिंग इज़ दैट एज यू ऑल नो दैट जूडियो में काफ़ी कम प्राइसेस में शू मिल जाते हैं, भले ही उतने डिज़ाइनर ना हो या मतलब क्या बोलते हैं क्वालिटी भी उतना अच्छा ना हो, बट मेरा भी उतना कुछ खास है नहीं लेग वर्कआउट के लिए, बस स्क्वाट्स के लिए मेरे को ज़रूरत है एंड लेग प्रेस में मैं यूज़ करता नहीं हूँ यूजुअली। सो स्क्वाट्स में मैं ये भी इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मेरा है कि एक फ्लैट फुट है एंड मैं एलिवेटेड स्क्वाट्स लगाता हूँ, सो वहाँ पर एक गैप हो जाता है मेरा जो फ्लैट फुट के उसके बीच में एंड मेरे को आप सभी का जैसे कि एक बेंड होता है पाँव के वहाँ पर, सो फुट पे मेरा वैसा पूरा फ्लैट है एंड जब मैं एलिवेटेड करता हूँ सो वहाँ पर एक गैप आ जाता है एंड उस गैप की वजह से मैं 2-3 दिन से नोटिस कर रहा हूँ कि मेरे को काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा है, मीन लाइक वॉक करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। सो आई गेस दैट आई शुड एंड दैट वाज द ट्रिगरिंग पॉइंट वेयर आई थॉट दैट आई शुड गेट अ शू, भले ही कम दाम का कोई इशू नहीं है, मोजा पहन के सॉक्स पहन के सब हो जाएगा एंड सो या अभी मैं जूडियो जा रहा हूँ वो खरीदूँगा और बाई चांस अगर जूडियो में नहीं मिला मैं जैसा चाह रहा हूँ तो मैं डिकैथलॉन जाऊँगा, वहाँ पर मैं 2-3 चेक करूँगा एंड इवन मेरे को एक ट्रैक पैंट भी चाहिए क्योंकि मेरे पास फ़िलहाल अभी एक ही ट्रैक पैंट है या आप बोल सकते हो जॉगर टाइप, वो मेरे को चाहिए, तो वो ये दो चीज़ मेरे को चाहिए एंड वहाँ से हम फिर शायद लूटो का ही जाएंगे कॉफ़ी पी के घर वापस आएंगे। तो या लेट्स गो। फाइनली मैं अभी थोड़ी देर पहले ही घर वापस आया एंड आई बॉट ऑल दोज प्रोडक्ट्स। सो 3 ही चीज़ लिया वैसे मैंने, एक तो ये स्लीपर लिया मैंने, मेरे को काफ़ी पसंद आया एंड मेरा जो स्लीपर है वो इस साइड से ना जो थंब एरिया होता है पूरा छेद हो गया पता नहीं क्यों। सो एंड मेरा मोस्टली जितना भी सब जूता या जो भी होता है सारे उसी एरिया पे छेद हो जाते हैं पता नहीं क्यों, सो मेरे को ये नया दोबारा से खरीदना पड़ा एंड सेकेंड थिंग इज़ दिस ट्रैक पैंट, मेरे को एक एक्चुअली एक ट्रैक पैंट चाहिए था मेरे को जिम जाने के लिए, एक डेडिकेटेड ट्रैक पैंट, या कभी कभी मैं इसको ड्यूटी पे भी पहन के जाता हूँ, मेरे पास और एक है बट वो भी मैं डेली ऑलमोस्ट डेली यूज़ करता हूँ, यूज़ जिम से वापस आके उसको वॉश के लिए छोड़ देता हूँ एंड देन अगेन नेक्स्ट डे उसको दोबारा पहनता हूँ ऐसा करके, तो इतना बार डेली डेली धोना भी अच्छा नहीं होता, कपड़े का क्वालिटी ख़राब हो जाता, तो इसलिए मैंने सोचा कि और एक खरीद लेता एंड मेरे को ज़्यादातर टाइम पर ट्रैक पैंट्स या कॉटन के जो ब्रीदेबल होते हैं वो मेरे को पसंद आते हैं एंड ड्यूटी पर भी मैं जाता हूँ तो यही
कभी जॉगर्स या कभी ट्रैक पैंट ऐसा ही पहन के जाता हूँ, तो कंफर्टेबल होता है क्योंकि यहाँ पर गर्मी अभी बहुत ज़्यादा है, तो उस चीज़ के लिए मैंने ये खरीदा। एंड जो फाइनल थिंग ये स्नीकर्स बोलोगे या शू बोलोगे जो भी, ये मैंने खरीदा। ये मेरे को साइज़ का मिल नहीं रहा था, बहुत मुश्किल से मिला। डिज़ाइन मेरे को एवरेज लगा, मेरे को जो पसंद आ रहा था वो साइज़ का था। एंड ये मैंने इसलिए ख़रीदा क्योंकि मेरे को, जैसे मैंने बताया कि मेरे को स्कॉर्ट्स के लिए शू चाहिए था, ये मैंने ख़रीदा। एंड या कंफर्टेबल है, साइज़ में भी है, और जैसे ये तीन चीज़ मैंने ख़रीदा है। वैसे अमेजन एंड उससे भी मैंने काफ़ी सारी चीज़ें खरीदी। एंड बेस्ट पार्ट इज़ जो मेरे को लग रहा था कि काफ़ी दिनों से मेरे को ख़रीद लेना चाहिए बहुत पहले, वो है एक माइक। मेरे को पता है मेरा बैकग्राउंड नॉइस काफ़ी ज़्यादा होता है, एंड कभी कभी कोई वीडियोस में मेरा वॉइस क्लियर नहीं होता, तो उस वजह से मैंने सोचा है कि एक प्रॉपर माइक ख़रीदो। एंड होपफुली अगर जिस दिन जिम थोड़ा सा एम्प्टी रहेगा, या आप कह सकते हो कि जब मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा जिम में वीडियो रिकॉर्ड करते करते बात करने का, सो मैं वो कंटिन्यू करूँगा। बट फिलहाल के लिए मैं घर पे, जैसे अभी मैं आप लोगों के साथ बातचीत कर रहा हूँ, ऐसे ही मैं कंटिन्यू रखूँगा बट वो माइक के साथ, जिससे कि वॉइस और थोड़ा सा क्लियर हो मेरा एंड आपको बैकग्राउंड नॉइज़ सुनना दिक्कत ना दे। तो दैट इज़ इट। अभी मैं जाऊंगा थोड़ा सा चाय बनाऊंगा एंड वी विल एंजॉय आवर इवनिंग या सनसेट। थैंक यू। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।